लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर यूट्यूब चैनल न्यूज 36 लाइव ला सब्सक्राइब कराओ और बेल आइकन ला दबावाओ। जय जोहार। खबर छत्तीसगढ़ में आगू बढ़बो और अभी बड़े खबर आवत है महासमुंद जिला के अंतर्गत पिथौरा ले, जहां किशनपुर हत्याकांड के जो मामला रही से ओमा लोगन साइकिल यात्रा निकालीन है। साइकिल यात्रा जब निकालीन है तो पुलिस के द्वारा उखर ऊपर दुर्व्यवहार करे गई से और संगे संग ओमनला थाना में घलो बंद कर दिए गए है। एक खबर आए तो ये जो बात है वो आप मतलब बता था पिथौरा के ही ये पूरा मामला, जी हाँ आप मतलब बता था कि हत्याकांड की जांच जो है उखर मांग करे थे, सीबीआई जांच के मांग करे थे, नरसंहार हुए रही से पिथौरा मा, तो ये साइकिल रैली लोगन निकाले रही ने, सीबीआई जांच के मांग करत रही ने लोगन, उखर यही कहना रही से कि एकर सीबीआई जांच होना चाहिए। तो पूरा मामला का है आप मतलब बता देथन कि पिथौरा में जो हत्याकांड हो रही से जेमा पति पत्नी सहित दो लड़का के हत्या करे गए रही से, अभी तक हत्यारा मन के पता नहीं चले है, पुलिस की गिरफ्त ले मन बाहर है। अब एकरे विरोध में यहाँ साइकिल रैली निकाल के राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपे लोगन निकले रही हैं, बीच रास्ता में पुलिस के द्वारा इमला रोके गई से और एक बार दुर्व्यवहार करत हुए थाना में बंद कर दिए गए हैं। तो किशनपुर हत्याकांड जांच के सीबीआई मांग ले के लोगन निकले रहे हैं, बीच रास्ता में पुलिस के द्वारा इमल्ला रोके गई से और जबरदस्ती गाड़ी में भर के पुलिस थाना में बंद कर दिए गए हैं। राजभवन सीएम हाउस पर इमल निकले रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाले रहे हैं, सीबीआई जांच के मांग करे थे लगातार, खबर की अभी तक हत्यारा मन पुलिस के गिरफ्त ले बाहर है, अभी तक एक जन के भी गिरफ्तारी नहीं हो पाए। चलो अब यही सब पूरा मामला में जो रैली के सकल में जो निकले रही है लोगन, उखर का कुछ कहना है, का उखर मांग है, वह सुन लेते हैं। पुलिस तरफ रैली निकाल सर, मेरा बेटा बहू और दो नाती का निर्मम हत्या किया गया है किशनपुर स्वास्थ्य केंद्र में, इसका पुलिस कार्रवाई के लिए हम लोग सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट मांग किए थे सर। नार्को टेस्ट तो कराया गया लेकिन सीबीआई का जांच के लिए हम लोग सर पहले भी मांग किए हैं, शुरू से मांग करते आए हैं, पहले जो एसपी सर संतोष सिंह महासमुंद उसको भी किए, उसके बाद में जो अभी नया एसपी सर आए हैं उसको भी हम लोग मांग किए, लेकिन आज तक के हम लोग सीबीआई का मांग रोमन के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं सर, सभी के पास आवेदन लगाए, मुख्यमंत्री जी के पास लगाए हैं, गृह मंत्री के पास लगाए, महिला आयोग में लगाए, लेकिन किसी का भी हम लोग का सीबीआई का मांग नहीं पूरा किया जा रहा है। खुद है सरकार से भी पुलिस प्रशासन से भी कि हमारा सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं, हम सरकार से कुछ मांग रहे हैं, हमारे मृत बच्चे को नहीं मांग रहे हैं हम, तो सिर्फ हम सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे हैं। वो हमारे पुलिस भी लोगों से हमारा अनुरोध है कि पुलिस का सीबीआई जांच का मांग पूरा करवाएं और दें, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम पुलिस हमारा बच्चे को लौटा दें, हम पुलिस से सिर्फ सीबीआई का मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई का जांच हमारा हो। अब इसमें भी पुलिस वाले हमारा कल से इतना पूरा फोन ऊपर फोन नहीं जाना है, शस्त्र चल रहा है, हम शस्त्र किसी धान का पैसा बढ़ाओ का कि हम नहीं जा रहे हैं कि क्यों नहीं दे रहा होगा कि नहीं जा रहे हैं ना, हम कोई पार्टी को हम नहीं ले रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, चाहे कोई भी पार्टी है, पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है सर, हमारा सीबीआई जांच की कर रहे हैं, सीबीआई जांच हमारा मांग किया जाए और इसी का हम प्रशासन से प्रार्थना है, पुलिस से भी प्रार्थना है, लेकिन पुलिस का पता नहीं इतना क्या लगाव है उस हथियारों से कि आज तक
के बताया जा रहा है। उस टाइम एक जने सिर्फ धर्मेंद्र बरिहार करके पूरा दबा दिया था केस को, और उसके बाद में नार्को टेस्ट आने के बाद नार्को टेस्ट में जिसका जिसका नाम आया है उसको भी आज बचाया जा रहा है। वही हम पुलिस प्रशासन मांग कर रहे हैं, पुलिस का क्या लगाव है उस हथियारों का, जो जेब है उसका मास्टरमाइंड है, जो पुलिस के द्वारा आज मांग कर रहे हैं तो पुलिस भी नहीं सुन रहे हैं, शासन भी नहीं सुन रहा है। इसी का हम गुहार करते करते आज साइकिल से जा रहे हैं रायपुर, और माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी को देंगे, उससे भी प्राप्त करेंगे, हमको सीबीआई का जांच करवाया जाए आपके ओर से, और माननीय राज्यपाल जी से महोदया जी से भी हमारा प्रार्थना है, प्रार्थना रहेगा कि हमारा सीबीआई जांच मांग करवाया जाए शासन से। ए विषय में और ज्यादा जानकारी पर पिथौरा ले हमारे सहयोगी जुड़े थे बसंत साव। बसंत, अगर किशनपुर हत्याकांड के बारे में अगर पूरा अगर जो बात है वो अगर हमन जानना चाहन तो का कुछ ये पूरा मामला रही से, कब की ये घटना है, और काबर अभी तक एक भी हत्यारा ला गिरफ्त में नहीं लिए गए है। हेलो जी, ये 30 मई 2018 की घटना है जी, और घटना के समय में एक आरोपी में गिरफ्तार करी, गिरफ्तारी में नार्को टेस्ट करवाई पीड़ित पक्ष जी, नार्को टेस्ट में जखन नाम मना से जो सीजी है वो पुलिस विभाग उम्र का नहीं खबर, पीड़ित पक्ष से कहना यह है कि जो भी नार्को टेस्ट में नाम आए ओला पुलिस विभाग है नार्सी बना थे, जबकि ओमन हर आरोपी है उनका तनाशी बनाते हैं सजा नहीं मिलती जी। पीड़ित पक्ष से कहना यह है कि जो प्रार्थी बना के है जिनमें मुख्य आरोपी है ओमल्ला आरोपी बना के जो सजा मिलना चाहिए वो सजा मिले जी। ये हत्याकांड में कहा देखो बेटा बहू और जो नाती ये सब के एक साथ रात को निर्मम हत्या कर देगी। जो भी अपन बाप है और माँ है वो अपन न्याय के गुहार पर रायपुर रैली में निकाले रही जी, तेला पुलिस विभाग पिछड़ा थाना रोक के दुर्व्यवहार करी और वाला पुलिस थाना बैठा दी जी। वर्तमान में हम पुलिस थाना में खड़े हैं, पुलिस वाले मन मीडिया में भी अंदर नहीं आ दी, एसपी साहब अभी आए नहीं तो हमला अंदर आए भी थी जी, विस्तृत जानकारी हम एसपी साहब लेबो और बाकी जानकारी आप लोग दे जी। बसंत, जैसे कि आप मन बताते हो कि ये बहुत पुराना मामला है, लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस के गिरफ्त ले जो हत्यारा मन है वो बाहर है, नार्को टेस्ट हो चुके हैं, जो संदिग्ध हवे जो आरोपी उखरकना पूछताछ चला थे, लेकिन फिर भी अभी तक जो हत्यारा है उमनला पकड़े नहीं जा सके है, ये बड़े सवाल खड़े कर रहे थे, एवं पूरा पुलिस प्रशासन के का कुछ कहना है। पुलिस प्रशासन से हम बात हो रही, पुलिस प्रशासन का कहना है कि नार्को टेस्ट की कॉपी एक ही है, ओला हमन ओमला देख नहीं सकन, छेड़खानी हो सकत, और पुलिस प्रशासन कहना है कि एवं के मांग जो है गलत तरीके से, तो हमन बताए कि गलत तरीका से है तो मतलब बता दो सही तरीका क्या है जिक्र से उनके मांग पूरा हो जाए। पुलिस प्रशासन कहना है कि जो भी मैटर है वो मतलब आप मतलब बयान एसपी साहब दिए और एसपी साहब उस रुके हुए हैं, एसपी साहब से पूरा जानकारी लेके हम बाकी जानकारी आगे देते हैं जी। जी बसंत, यहू जानना चाहबो कि अभी जो वर्तमान स्थिति है वो का है, जो परिजन है जो लोगन है उमा शामिल रही है रैली में का उमल्ला छोड़ दिए गए है, या फिर आगू कुछ वैधानिक उखर ऊपर कार्रवाई करे जाए, खबर की अभी बजट सत्र चला थे थाना बैठा के रखे हैं, एसपी साहब अभी आए हैं आप कार्रवाई करते हैं या छोड़ दिया जाए सारा जानकारी जो एसपी साहब है अमल की वर्तमान में एवं जितनी जन पैसे रेल में रहे इमल्ला थाना के अंदर बैठाए गए हैं, एसपी साहब पहुंचे हैं, एसपी साहब और बताए कि कार्रवाई करे जाते छोड़े जाते या आस वक्त दिए जाते जी। अब चूंकि जो रैली रही से वाला बीच रास्ता में ही रोक दिए गई से, लेकिन फिर भी परिजन मन करना आप मन के बात हुई सोई, तो अभी अब उखर आगू का कुछ अगला कदम रही है? नहीं, ओमन के अगला कदम है कि अपन
न्याय के हक पर अंतिम दम तक लड़बू। आरोपी मल्ला सजा मिलना चाहिए और हमला न्याय मिलना चाहिए, वह न्याय की गुहार करे पर अंतिम सांस तक लड़े पर तैयारी कर। चलो बसंत, आप मन हमर संग जुड़े हो, पूरा जानकारी साझा करे हो, एकर बर धन्यवाद। तो किशनपुर हत्याकांड के ये पूरा मामला रही से, जिमा पति पत्नी सहित दो मासूम लड़का के हत्या करैया आरोपी मन अभी भी गिरफ्त ले बाहर है। बड़े सवाल यही है कि अतका दिन बीत जाए के बाद भी अब तक काबर हत्यारा मन खुले आम बाहर में घूमत है। छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुका था, फिर ब्रेक के बाद तुरते लौटबो। आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।